अगर फिर हम आपको सिर्फ 10 मिनट से पहले पढ़े 100 डिजिट 200 डिजिट 300 डिजिट नंबर आप एक बार पढ़ के याद करिए, आपके सामने 100 डिजिट नंबर हो 200 डिजिट नंबर हो और आप सिर्फ 10 मिनट में याद करके फ्री हो जाए। यूनिवर्सिटी कोकोनट हॉर्स रिवर म्यूजियम कोकोनट हॉर्स रेस्टोरेंट रिवर म्यूजियम पार्क डायनासोर डॉक्टर फ्रूट्स टेम्पल शोरूम पेट्रोल बिस्किट न्यूज़पेपर मार्केट फ्लाईओवर इंजीनियर प्रॉपर्टी जय श्री कृष्णा एक्टिवा को इंडिया गेट रिवर प्लेग्राउंड स्कूल बस शॉपकीपर बाइक हैंडपम्प स्नेक ट्रैक्टर मैंगो और फोटो फ्रेम स्टैचू। रंजीत आपको सारे वर्ड्स करने में टाइम कितना लगा? सर ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में सारे वर्ड्स बेटा कर दीजिए। पर इस बच्चे ने मुझे बात कही कि सर मैंने कुछ वर्ड्स मेरे स्टाइल से सुनाना चाहता हूँ, ये बच्चा बोला। तो फिर आपका स्टाइल क्या है? क्या सर मैं अपनी स्पीड में भी सुना सकता हूँ? मतलब इस बच्चे का कॉन्फिडेंस, मतलब मेमोरी साइंस सीख के ना केवल चीज़ों को आपको इंस्टॉल करना आएगा बल्कि बड़ा इस पर काम होगा प्योरली लर्निंग को लेकर आपके कॉन्फिडेंस। तो बट अपने स्टाइल से सुनाना चाहेंगे? ठीक है, अपने स्टाइल से सुनाओ। वहाँ बड़े बच्चों से क्या करने वाले हैं, तो बड़े बच्चों ने क्वेश्चन पकाया सर पेन कॉपी को कोई भी याद कर लेगा, हमें तो सिलेबस के वर्ड याद करने। तो इस बच्चों ने बड़ा काम कर रखा, आपने अपनी बुक में कुछ वर्ड निकालो ताकि अच्छे से समझा पाए मेमोरी साइंस के बारे में, अपनी बुक में कुछ वर्ड निकालें और उन वर्ड्स को आपको सुनाना है। तो फिर बेटा आगे जो वर्ड निकालेंगे इसी बुक में से निकालेंगे, वो भी सुन लो बच्चों। बट बुक वाला वर्ड बताओ, वेलिबिलिटी एलिगेशन हाइड्रोलिक इक्विपमेंट केमिकल फर्स्ट स्टाफ अगर जिस तरह की जीवन में प्रीकैरियर सैचुरेटेड गार्निश कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन अपेरेंटली टर्मिनेशन कैंपल इंपोर्टल इंबल सुपरसेटम प्रोग्रेसिव है कॉपर ग्रोसरी कॉपर डॉकॉम मिसेलेबल इंटेल डॉकी क्यूपी एलिगेशन फीमेल ब्रीच क्योर सैंडर एंडर शॉपिंग पार्टी मिनिमम कार्डमम जो है एडिबल अटैक। अगर मैं थोड़ा शकिन टाइप का बच्चा हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा मार्ग है। अगर मैं अभी आपको चैलेंज दे दीजिए, एक घंटे का चैलेंज है और आपको वर्ड की लिस्ट दी जाएगी, एक घंटे में कितने वर्ड कर सकते हो? सर अबाउट 500। आपसे कर सकते हो और एक दिन का पूरा टारगेट दे दें कि आपके पास 24 घंटे, मतलब 8 घंटे पढ़ रहे हैं आप, एक दिन का आपको टाइम दे दें, कल हम आपसे 9 बजे तक सुनेंगे, तो कल तक पढ़े कितने कर दोगे? कॉन्फिडेंस जरा आप बोलो कितने करवाना चाहते हो, कर लेंगे। क्या नाम बच्चा आपका? शौरव। शौरव एक काम करते बच्चों, हम बेटा क्या करेंगे जितने भी स्लाइड्स हमारे पास गई है ना, इन स्लाइड्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं स्क्रॉल करूंगा। आप अपनी मर्जी से कहीं पे बोल देना स्टॉप, कहीं पे भी स्टॉप, जिस भी स्लाइड में स्टॉप बोलेंगे उस स्लाइड पर जो भी वर्ड दिखाई दे रहे होंगे उनमें से कोई भी एक वर्ड बोलना, कोई भी एक वर्ड बोलना, उस वर्ड से पहले क्या है उस वर्ड के बाद में कभी जितने से पूछें। फिर कॉन्फिडेंस मेमोरी साइज को मेरी चीज रट्टा नहीं मारिए, प्रॉपर क्या है इंस्टॉल, मैंने बोला वो क्या वर्ड लिखा हुआ है इंस्टॉल। तो इंफॉर्मेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेवंथ क्लास का बच्चा कर पा रहा है, हम टाइम पास बड़े गलत बना देंगे ऐसा नहीं। तो एक बार बच्चे करें इसकी एक्सेस करें, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। तो अब ये स्लाइड पर आपके सामने आप इस स्लाइड में बच्चे कोई भी वर्ड बोल, रूम, the word is room. आपको बड़े बताना है रूम से पहले क्या रूम के बाद में क्या है, रूम से पहले रो और रूम से बाद रो। This is the difference between learning and installation. Yeah.
My name is Raj Yadav. I am studying 8th standard, 8th at my school and in Sardar Vallabhbhai Patel Udyalakshmi Vidyalaya. I am saying now 5 values. The 5 values 3.141541581079328482144599327850249682049823062829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 82 तुम बच्चे क्या करेगा? जोड़ो। तुमने क्या करने के कारण मेरे बच्चे? वाले ना। डेढ़ घंटे तक क्या करेगा ये? वाले ने फिर किसी को? दो क्लास में मैंने कि दो की दिन के अंदर बहुत खत्म। बड़ा मजा आ जाएगा। तो इस बच्चे ने क्योंकि इसमें पेज कम से डेढ़ घंटे में पूरी बुक तैयार। आप बच्चे काम करो, पूरी बुक में से कोई पेज नंबर बोलो, कोई भी पेज नंबर, उस पेज में क्या टॉपिक्स है, क्या सब टॉपिक्स है, इस टॉपिक पे जनरेशन पढ़ने से क्या मुझे आना चाहिए, ही नोज एवरीथिंग। आपको डायग्राम बोल दो, डायग्राम कहाँ पे सर? 16 पे। काम करो, हम थोड़ा सा टिपिकल करते, आप कोई बच्चे डायग्राम दो, वहीं से बच्चे को डायग्राम देखो, थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन करो, बस कुछ नहीं बड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर देना, ये बता देगा कौन से पेज से देख के बता रहे हैं। आपने बड़ा थोड़ा सा मुश्किल करना है चीज को, आप पूरी बुक में से बड़ा कोई भी टॉपिक बोल दो, कहीं से अभी तक कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से पेज से पढ़ रहे हो? The cycle of season and the living world. And this is what we like. Right. Great answer.